हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों पर भी नई पेंशन योजना लागू। तो उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हुई है, तो उन शिक्षकों पर भी नई पेंशन योजना जो है वो लागू होगी। राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों पर भी नई पेंशन योजना लागू होगी। नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन जो है वो 35,000 रुपये प्रति माह होगा तथा राज्य कर्मियों को दे अन्य भत्ते भी इसी अनुमान्य होंगे। इसके वेतन आदि की निकासी भी की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की भांति संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नामित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो पुराने वाले शिक्षक हैं, जो राज्य कर्मी हैं, तो उनका जिस तरह से सब कुछ होता है तो सेम वैसे ही इनका भी होगा जो बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए हैं। इस संबंध में आवश्यकता अनुसार अनुवर्ती निर्देश वित्त विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से अलग से जारी किए जाएंगे। ये प्रावधान शिक्षा विभाग के उस अधिसूचना में किए गए हैं जो संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से बुधवार को जारी हुई है। इसके मुताबिक वेतन भुगतान के पूर्व नव नियुक्त प्रधानाध्यापकों के शैक्षिक प्रशैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर कराई जानी है। हालांकि अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नव नियुक्त प्रधानाध्यापक जो पूर्व से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत थे और सक्षम स्तर से उनके शैक्षिक प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच करा ली गई हो तो उनको आधार मानकर पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इनका अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन करना जो है आवश्यक होगा। जिनके सर्टिफिकेट की जांच जो पहले हो चुकी है तो उसकी जांच जरूरी नहीं है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है वो आवश्यक है। इसकी प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी दी गई है। आपको बता दूं कि उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के नव नियुक्त प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी। 6421 प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की गई थी। इसके लिए वर्ष 2022 में 5 मार्च से 21 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। 8,000 से अधिक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए गए, जिसकी लिखित परीक्षा 31 मई को पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर ली गई थी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, उसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था थी। 21 अगस्त को रिजल्ट आया तो चौंकाने वाली बात यह रही कि परीक्षा में बैठने वाले 8,000 से अधिक शिक्षकों में 421 शिक्षक ही सफल हुए। उनमें से 420 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की गई। उनमें से 369 सफल अभ्यर्थी को प्रमंडल आवंटित किया गया, 144 को पटना प्रमंडल, 33 को मगध प्रमंडल, 40 को तिरहुत प्रमंडल, 9 को कोसी प्रमंडल, 20 को पूर्णिया प्रमंडल, 28 को मुंगेर प्रमंडल, 32 को सारण प्रमंडल, 40 को दरभंगा प्रमंडल और 23 को भागलपुर प्रमंडल जो है वो मिले। तो इन शिक्षकों पर जो भी बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त हुए हैं उनको भी नई पेंशन योजना जो है वो मिलेगी, नई पेंशन योजना लागू हो जाएगी। और जितने भी राज्य सरकार के शिक्षक हैं जो पुराने वाले, उनको जो जिस तरह से उनको वेतन वगैरह मिलता है तो उसी तरीके से इनको भी मिलेगा। और इनका जो मूल वेतन है वो 35,000 रुपये प्रति माह जो है वो होगा। और राज्य कर्मियों को दे जो अन्य भत्ते हैं सब कुछ मिलेगा। और शैक्षिक प्रशैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच जो है वो कर लेना है, उसके बाद ही इन लोगों को वेतन जो है मिलेगा।